अल्मोड़ा जिले के विकासखंड बिकियासैंण में उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर संगठन रामगंगा का तहसील मुख्यालय में धरने को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार सीनियर सिटीजन के आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने प्रदेश की धामी सरकार पर सवाल डालते हुए कहा कि सरकार प्रचार प्रसार में पैसे खर्च कर रही है, जबकि पेंशनर कर्मचारियों से उनकी सहमति के लिए वगैरह अनिवार्य कटौती की जा रही है। गोल्डन कार्ड के नाम पर जो वसूली हो रही है, इस वसूली की जो बंदरबांट हो रही है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। मैं सवाल सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 13 मई 2019 की बैठक में 150 जो डिस्प्ले बोर्ड बनाए हैं 3 महीने के अनुबंध पर, इस पर 17,34,600 रुपये आपने खर्च किया है, और ऐसे ही 500 क्रिएशन VKS क्रिएशन कंपनी को आपने ठेका दिया है 500 डिस्प्ले बोर्ड बनाने का। सरकार ने कार्यालय पर 5 साल के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए पेंशनर्स और कर्मचारियों से वसूली गई धनराशि से खर्च कर दिए। सरकार ने कार्यालय पर 5 साल के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए पेंशनर्स और कर्मचारियों से वसूली गई धनराशि से खर्च कर दिए। क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? जबकि प्रदेश में कई बड़े बड़े कार्यालय अभी भी टिनशेड में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में गोल्डन कार्ड बने नहीं है, कटौती किस बात की हो रही है? जिनके गोल्डन कार्ड बने भी हैं उन्हें भी इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। अल्मोड़ा से गोविंद रावत, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।